चांदा है ना, ये तेरा मामा है। कहा था कि नहीं कहा था? ये सूरज है वो तेरा दादा है, वो जरा तपता है ना, पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार, ये जिस धरती पर से कल्पना निकली हो, क्या दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, प्रकृति को प्रेम करने से उत्तम कोई मार्ग नहीं हो सकता? और हम ही लोग हैं जिन्होंने कहा एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर इज अ क्राइम, प्रकृति का दोहन ही हमें अलाउड है, प्रकृति का शोषण अलाउड नहीं है, मिल्किंग ऑफ द नेचर, इससे अधिक हम नहीं ले सकते। आज विश्व को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए जिस महान तत्व ज्ञान के हम धनी हैं, महान सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं। एक बार हम अपने सामर्थ्य को जान लेंगे, हम उस दिशा में चल पड़ेंगे, शक्ति के साथ चल पड़ेंगे, और पूरी दुनिया को हमारे में समेट करने का सामर्थ्य हमारे में पैदा हो। भारत आज एक नई भूमिका की ओर आगे बढ़ रहा है, और उस भूमिका को विश्व स्वीकार करने लगा है। मैं पिछले एक वर्ष में दुनिया के 50 से अधिक महत्वपूर्ण सभी राज्य के मुखियाओं को मिला हूं। कभी कभार कम काम करना, इसकी आलोचना तो मैं समझ सकता हूं, कोई सोता रहे काम न करे इसकी आलोचना तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं ज्यादा काम करता हूं उसकी आलोचना होती है। मोदी इतने देशों में क्यों गए, इतने लोगों से क्यों मिले? अगर ज्यादा काम करना, ज्यादा शक्ति लगाना, ये अगर गुनाह है, तो 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये गुनाह करना मुझे मंजूर है। क्योंकि मेरा संकल्प है मेरे समय की प्रत्येक पल, मेरे शरीर का प्रत्येक कण सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ देशवासियों के लिए है। और मुझे विश्वास है एक साल में जो बोया है उसे खातर पानी डालने के लिए भी तो मेरे पास टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर यही काम मैं 5वें साल पे करता तो लोग क्या कहते, अरे यार ये तो रहने वाले नहीं है, पता नहीं चुनाव के बाद क्या होगा, कैसा होगा, कौन विश्वास करता? दुनिया मुझ पे ज्यादा विश्वास इसलिए करती है क्योंकि पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ये पहला वर्ष है, और 30 साल से हिंदुस्तान में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, उसके कारण विश्व का भारत पे भरोसा नहीं था। जिन लोगों को लगता है कि मोदी एक साल में इतना सारा क्यों किया, मोदी शरीर से भले एक साल में किया हो, लेकिन दरअसल मोदी ने 30 साल के पुराने काम को पूरा करने के लिए प्रयास किया। आज देखिए चीन में कैसा बदलाव आया है। आमतौर पर शासन व्यवस्था में प्रोटोकॉल होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कोई देश अपनी युवा पीढ़ी को
दूसरे देश के नेता से जब मिलवाता है तब उसका अर्थ बदल जाता है। कोई देश अपने देश के राजनेताओं से मिलवाए, अपने देश के उद्योगकारों को मिलवाए, इसका एक मूल्य है। लेकिन कोई देश अपने देश की युवा पीढ़ी को किसी से मिलवाता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस देश को समझ है कि भविष्य के लिए पूंजी निवेश कहां करना चाहिए। और ये पूंजी निवेश डॉलर पाउंड वाला नहीं है, ये पूंजी निवेश अपनी युवा पीढ़ी को वो तैयार कर रहे हैं भारत की तरफ देखने का नजरिया कैसा हो। और इसलिए चीन के मेरे 3 दिन के प्रवास में 2 यूनिवर्सिटी में जाकर के विद्यार्थियों को मिलने का कार्यक्रम ये अपने आप में मेरी पूरी यात्रा का सबसे अद्भुत कार्यक्रम मैं मानता हूं, जहां मुझे युवा पीढ़ी से मिलने दिया गया है, युवा पीढ़ी से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला है। और चीन की युवा पीढ़ी अगर भारत को जान ले तो फिर पूछना ही क्या है, कहीं रुकना नहीं है दोस्तों। और मेरी यात्रा में जो शियान गया, शायद यहां बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैं बता दूं आपको, यहां कोई समय सीमा है क्या? आपको तो कल छुट्टी है, मुझे नहीं है। अच्छा, ये करिए। देखिए, शियान जो मेरा कार्यक्रम बना उसकी बड़ी एक विशेषता है। हम लोग सब बचपन में पढ़ते थे इतिहास कि ह्यूएन त्संग नाम का एक फिलोसोफर हिंदुस्तान आया था चाइना से और भारत भ्रमण किया था और उसने बहुत कुछ लिखा था, दार्शनिक थे। मेरा जन्म जिस गांव में हुआ है, मेहसाणा जिले में वडनगर गुजरात में, तो ह्यूएन त्संग ने जो लिखा है उसमें उसने मेरे गांव का वर्णन लिखा है और वो वहां जाकर के रहे थे। और हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थे, बिहार और उस क्षेत्र के भाग में, लेकिन ह्यूएन त्संग ने लिखा है कि भगवान बुद्ध का प्रभाव वेस्टर्न इंडिया में भी उतना ही था। और उन्होंने लिखा था कि वडनगर में, जो कि मेरा जन्म स्थान है, वहां पर बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा के लिए एक बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, हजारों बालकों के रहने की हॉस्टल थी। वो उसने लिखा है कि मैंने देखा वहां, वो भी काफी समय वहां रहे थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे भी मन में विचार आया कि भाई ह्यूएन त्संग लिख करके गए हैं तो जरा देखे तो क्या है। तो मैंने सरकार को कहा जरा खुदाई करो भाई, अब कोई अपने यहां खुदाई करवाए क्यों करेगा, लेकिन मैं ऐसा ही हूं, मैंने खुदाई करवा दी। और आश्चर्य है कि मेरे गांव में तो वो सारी चीजें मिली खुदाई करने से, वो हॉस्टल्स मिले हैं, सारी चीजें ध्यान में आई, ह्यूएन त्संग ने जो लिखा है सब। जब मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति शी का मुझे टेलीफोन आया तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया, उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है। और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया, मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। बाद में वो भारत आए तो उनकी इच्छा थी मेरे गांव जाने की, लेकिन वो गुजरात आए, गांव तक तो नहीं जा पाए थे क्योंकि वो अहमदाबाद से 80-90 किलोमीटर दूर है, समय का अभाव था। लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई, उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है, मैंने कहा क्या, बोले ह्यूएन त्संग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापिस आए तो वे मेरे गांव में आए थे। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।